न्यूज़पेपर में जो आज की अपडेट है हम उसके बारे में बात करेंगे। अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों से मैंने 6 स्क्रीनशॉट निकाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्नातक में जो प्रवेश हैं वो बंद हो चुके हैं और अब जो हैं उनके प्रवेश चल रहे हैं, जिनके मतलब इलेक्शन वगैरह थे कॉलेज में उनके प्रवेश चल रहे हैं। कल NRC की बात बताऊँ तो NRC में मेरिट लगी और मेरिट जो लगी है उसके एडमिशन अब चलेंगे, ठीक है, 6 और 7 तारीख में। उसके बाद बहुत से बच्चों का ये भी आ रहा है कमेंट में कि सेकंड मेरिट लगेगी क्या। हाँ भाई, सेकंड मेरिट लगेगी और सेकंड मेरिट में लगभग सभी सरकारी स्कूल जो हैं लगभग पूरे हो जाएंगे, भर जाएंगे सीट उनमें। तो इनमें लिखा हुआ है कि स्नातक प्रथम वर्ष में ओपन मेरिट से प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले जो मेरिट थी उसमें प्रक्रिया पूरी हो गई है। 8 नवंबर को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए दोबारा से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का एडमिशन पोर्टल खुलेगा। प्रवेश से वंचित रह गए छात्र 8 नवंबर से 20 नवंबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। 12 दिन उन्हें मिलेंगे। 20 नवंबर के बाद ऑफर लेटर डाउनलोड होंगे जिनमें छात्र कॉलेज और कोर्स भरकर जिस जगह भी सीट रहेगी प्रवेश ले सकेंगे, मतलब 20 तारीख के बाद। गुरुवार को मेरठ और सहारनपुर मंडल के 3,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश हुए। विश्वविद्यालय ने ओपन मेरिट से बुलंदशहर को छोड़कर शेष जिलों के लिए 5 नवंबर प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। बुलंदशहर में उपचुनाव की वजह से 7 नवंबर तक ओपन मेरिट में प्रवेश लिए जाएंगे, ठीक है। PG और LLB में पंजीकरण इसके भी चला दिए। परास्नातक और LLB के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभी ऑनलाइन पंजीकरण हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट अभी घोषित किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए परास्नातक कक्षाओं में पंजीकरण की अंतिम तिथि अभी तय नहीं हुई है। परास्नातक कक्षाओं में नवंबर के अंतिम सप्ताह से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और यही कारण है जिसकी वजह से स्कॉलरशिप की डेट भी बढ़ी है, क्योंकि अभी तो ग्रेजुएशन के एडमिशन ही हो रहे हैं। CCS यूनिवर्सिटी का रिजल्ट घोषित, ये कुछ रिजल्ट है भाई जो घोषित हुए हैं, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया है। एक तो ये है और इसमें एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी। इसमें बता रहे हैं कि ये है और BEd में परीक्षक सूचित है RDC 9 नवंबर को। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाके से डिटेल में पढ़ सकते हैं। BEd के 8 नवंबर से प्रयोगात्मक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल होने की तैयारी चल गई है। जो तनेजा जी हैं वाइस चांसलर, तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई बिल्कुल पक्का करानी है, अगर देरी होगी तो आपको मतलब इसका हर जाना भुगतना पड़ेगा। कॉलेज को उन्होंने बोल दिया है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगला जो स्क्रीनशॉट चल गया, ये चल गया आपके अमर उजाला वाले। BEd प्रैक्टिकल 8 से 20 तक कराने होंगे, हाँ ये लिखा हुआ है। कुलपति ने दिए सख्त आदेश, प्रैक्टिकल नहीं कराने वाले कॉलेजों पर होगी कार्रवाई। इस टाइम पे कराने पड़ेंगे, तो अगर BEd में हो आप तो देख लेना। नए पंजीकृत छात्रों को सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में ही मौका। अब सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है जो अपना फाइनेंस खुद जुटाते हैं, इसलिए उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, जिस जैसे कि प्राइवेट कॉलेज। और एडिड कॉलेज में आता है कि सरकारी कॉलेज, एडिड मतलब जो सहायता प्राप्त हैं सरकार से। तो एडिड कॉलेज में हो गया आपका सरकारी, जो कि अब भर जाएंगे। सेकंड ओपन में, हाँ इसमें लिखा हुआ, अभी एक बार थोड़ा सा पढ़ के मैं बता दूं। CCS यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में नए पंजीकरण कराने वाले छात्र छात्रा को सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में ही एडमिशन मिल पाएगा। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैं 8 तारीख को एडमिशन कराऊँगा और मेरा सरकारी में हो जाएगा, तो चांस हैं, कम चांस है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं भाई 11 तारीख 12 तारीख या फिर 18 तारीख को एडमिशन कराऊंगा लास्ट में जाके और फिर भी मुझे सरकारी मिल जाएगा, तो भाई बहुत मुश्किल है। परसेंटेज अगर आपके अच्छी हुई तो शायद मेरिट वगैरह लगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको नाम वगैरह लिख के जल्दी से जल्दी जमा करना पड़ेगा 21 तारीख को। जो प्रोसेस होगा आगे वो मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है इसका। एडिड और राजकीय कॉलेज में अब कम ही सीटें बची हुई है, ये सीटें दूसरे ओपन मेरिट में भर जाएगी। जिनका सवाल था कि दूसरी लगेगी या नहीं, तो इसमें ये इसका आंसर भी लिखा रहा कि दूसरी ओपन मेरिट में भर जाएगी। जैसे 8 तारीख को ये चलेंगे ना एडमिशन चलेंगे, उधर ही दूसरी मेरिट लगा दी जाएगी, तो उसके एडमिशन चलते रहेंगे और आप फॉर्म भरते रहोगे। फिर दूसरी मेरिट खत्म हो जाएगी और फिर जो ओपन मेरिट के जो एडमिशन ये चल रहे हैं ना 8 से 20 तारीख तक, इनके एडमिशन फिर चलेंगे। CCSU से संबद्ध मेरठ सहारनपुर मंडल के 9 जिलों के कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में 2 लाख सीटें हैं, तो सीटों की संख्या वगैरह आ गई, ठीक है। ये हुआ आपका नया पंजीकृत, बस ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट थे। PG कोर्स MA और
एम ए और MSc एम कॉम में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, तो ये शुरू हो गए, इनके लिए बोल रखा था कि PG में एडमिशन तब करें और PG और LLB दोनों में एडमिशन तब करें जब आपके पास तीनों मार्कशीट हो। तीनों मार्कशीट मतलब ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट हो, क्योंकि नंबर चढ़ते हैं। कॉमर्स में तो नहीं चढ़ते क्योंकि कॉमर्स में तो कॉमर्स के ही बोल दिए जाते हैं कि भाई कंबाइन, लेकिन अगर आप हिस्ट्री का भरते हो फॉरम तो हिस्ट्री में सब्जेक्ट वाइज चढ़ाने पड़ते हैं। जो आप तीन सब्जेक्ट लिखते हो उसमें बोलते हैं कि हिस्ट्री के कितने हैं, सोशियोलॉजी के कितने हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के देख के लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट थी। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग जो मैंने से बताया उससे रिगार्डिंग आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। जितने स्क्रीनशॉट मैंने इसमें पढ़े हैं सारे टेलीग्राम ग्रुप पे हर बार की तरह डाल रखे हैं, वहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर कुछ पूछना तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो आप। कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाई करने की। बाकी चलो ख्याल रखो अपना, और एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, ठीक है।